कब से सुना तो बताते थे उपाय वगैरह कर दो लाइफ में चेंजेस आ थे। अच्छा चलो ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाय दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवटर व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं रायपुर, रायपुर में यानी कि अमलेश्वर, और मैं यहां जाया हूं शिव महापुराण कथा कवर करने। तो दोस्तों मैं अभी अमलेश्वर पहुंच चुका हूं और आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं किस प्रकार अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा का माहौल है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो पहुँचे आप तक बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये वो जगह है जो 52 एकड़ में फैला हुआ है और यहीं हो रहा है शिव महापुराण कथा। आप देख सकते हो किस प्रकार लोग वहाँ से आ रहे हैं, देखिए, और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। देखिए 52 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा जगह है। उधर से भी आते हैं मेन रायपुर सिटी से, और उधर देखिए पीछे में वहाँ पर भंडारा रूम है जो कि सुबह 10-11 बजे भंडारा खिलाया जा रहा था और अभी शाम को बताया जा रहा है। बीच बीच में पानी टंकी बनी है और वहाँ पर नल वगैरह भी लगाए गए हैं, कुछ वॉशरूम वगैरह इधर भी लगाए गए हैं। तो चलिए अभी सामने चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का इधर का माहौल है। देखिए लोग वहाँ से आ रहे हैं कथा स्थल के पास से, चलिए आपको दिखाते हैं। और दोस्तों काफ़ी गर्मी है और पारा लगभग 42 डिग्री के आसपास है, उसके बावजूद काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और अभी काफ़ी सारी दुकानें यहां लग गई है और दुकानें लगती ही जा रही है। तो अभी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे, देखिए काफ़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं, देखिए। और उधर शिव महापुराण कथा चल रहा है, ये रायपुर मतलब अमलेश्वर का नज़ारा है, देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, देख सकते हो आप चारों तरफ इधर दुकानें लगे हुए हैं, पूरे इधर से जा रहे हैं, देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त भीड़ है यार, देखिए क्या माहौल है। कथा समाप्त हो चुकी है तो आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग कथा सुन के वापस आ रहे हैं। सुन रहे हो कथा, वो कौन गाँव ला हो, बीरगाँव ले तो बने लगी सास की कथा, अच्छा का बताई सास ऐसे, तो कब से सुना तो शिव महापुराण कथा, एक करोड़ कब से सुना तो बताते थे उपाय वगैरह कर दो, कुछ फायदा वगैरह हो थे ऐसे, चलो ले ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों ये दान कार्यालय है, देखिए आप ये दान दे रहे हैं, सब दान कार्यालय है बनाया गया, तो आप दान वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग दान वगैरह भी दे। और देखिए इधर का माहौल, ये देखिए किस प्रकार तीन डोम बना हुआ है, एक ये बीच का दो और ये तीन डोम, काफ़ी भीड़ है, लोग आए हुए हैं इतनी गर्मी के बावजूद, और माहौल अच्छा है। ये 52 एकड़ में फैला हुआ है जगह, अमलेश्वर लगा हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से टेंट लगा हुआ। श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दाई, वो कहाँ से आओ, कहाँ से आओ, कौन गाँव लो, अच्छा रायपुर से, तो आज कथा सुने हो, कैसे लगी से, अच्छा लगी। कब से सुना तो कथा, कथा मैं बहुत दिन से सुना। अच्छा एकर अलावा और कहाँ कहाँ गए हो कथा सुने बर, भाटापारा, अच्छा अच्छा। तो जो पंडित जी की कथा सुन तो कैसे लगते, बहुत अच्छा लगता है। और ये कितने दिन से सुन रहे हो मतलब कथा, 2022 से। तो जो पंडित जी ये नियम वगैरह बताते टोटका वगैरह कर दो तो फायदा वायदा फायदा होते, लाइफ में चेंजेस आते। अच्छा चलो ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत अच्छा लगी साहब के बात।